हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। कल हमने आप लोगों को गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र बता दिया था, और आज हम गोली उत्तल पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र आता है वो कैसे आता है, चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक ना, ये दोनों कल जो फार्मूला आया था आज भी फार्मूला वही आने वाला है, बट वो अवतल पृष्ठ के लिए था और ये उत्तल पृष्ठ के लिए, अंतर कुछ भी नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा अंतर है, आपको कल ही बताया था। जैसे अगर कोई इस तरीके का हमारा मान लेते हैं अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होगा, ठीक ना, ये हमारा कोई एक उत्तल पृष्ठ हो जाता है और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है। जब ये गोली उत्तल पृष्ठ होगा तो इसका वक्रता केंद्र कुछ इस साइड होगा, ठीक ना, वक्रता केंद्र कुछ इस साइड होगा। अब इधर मान लेते हैं कि कोई वस्तु वो रखी गई है इधर, ठीक ना, जब कोई वस्तु वो रखी गई है तो इससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं ये लेंस पर आपतित होंगी कुछ इस तरीके से करके, और यहाँ पर ये जो आपका वक्रता केंद्र है इससे ये अभिलंब बनता है, ठीक ना, ये आपकी किरण ऐसे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो अंदर का माध्यम है वो सघन है। अंदर का माध्यम कैसा है? सघन है, अर्थात अंदर का माध्यम हम N2 मान लेते हैं। जो बाहर का माध्यम वो N1 कैसा है? विरल माध्यम है, ठीक ना, जो बाहर का माध्यम विरल है, अंदर का माध्यम सघन है। तो आपको पता होगा जब किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात ये जो किरण है कुछ इस तरीके से करके बैंड होगी। जब ये किरण और इसको अगर हम पीछे मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर कुछ ही इस पॉइंट पर कट करती है, ठीक ना, जब कुछ इस पॉइंट पर कट करती तो इस बिंदु को हम आई मान लेते हैं, यहाँ पर वस्तु था तो इसको हम ओ मान लेते हैं। अब ये जो अभिलंब है मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो आपका गामा कोण होता है, और ये जो वस्तु होती है मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो आपका अल्फा होता है, प्रतिबिंब जो कोण बनाता है वो आपका बीटा होता है। फिर से हम इस पॉइंट से, ठीक ना, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और इससे मुख्य अक्ष पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। इस पॉइंट को हम एम मान लें या फिर कुछ भी मान लें, यहाँ पे पी, यहाँ पे इसका ध्रुव पी है, प्रकाशीय केंद्र जो पी, इस पॉइंट को मान लें। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ये आपकी जो लेंथ होने वाली है ये छूने वाली है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कौन सी किरण थी? आपतित किरण थी। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक ना, ये आपका वस्तु है तो वस्तु ये आपतित किरण होगी जो किरण जा रही है, और ये आपका अभिलंब है तो जो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो कोण कौन सा होगा? आई होगा कोण, यह कोण कौन सा होगा? आई होगा, ठीक ना। अब दूसरा चीज़ कि ये जो आपका ये कोण बनेगा ये कोण कौन सा होगा? स्मॉल आर होगा, जो कि आपका अपवर्तन कोण होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण से बात करेंगे तो इधर वाला भी ये कोण क्या होगा? आर ही होगा, ठीक ना, ये कोण आर होगा। तो अब चलिए हम फिर से कल वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस कोण से यदि आई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना, तो आई बराबर में इस ट्रेंगल में बात करेंगे कि कौन वाले में, ओ ए सी में, ओ ए सी में बात करेंगे तो जो आई होगा वो फिर से अल्फा व गामा के बराबर होगा, ठीक ना, ओ ए सी में, ठीक ना, ओ त्रिभुज ओ ए सी में, तो आई किसके बराबर होगा? गामा प्लस में अल्फा के बराबर होगा। जब ये गामा और अल्फा के बराबर होगा तो हमको तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिल चुका है। जो आपका अगला होने वाला है ये जो अपवर्तन कोण होगा, अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं आई ए सी में, ठीक ना, त्रिभुज आई ए सी में, और जब त्रिभुज आई ए सी में चलते हैं तो ये जो आपका अपवर्तन कोण का मान होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर का जो मान होगा वो बीटा और प्लस में गामा के बराबर होगा, ठीक ना, बीटा और गामा के बराबर होगा, बीटा प्लस में गामा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ये वाला जो कोण होगा ये आर नहीं होगा, ये वाला जो कोण होगा ये आर होगा, ठीक ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये कोण एंगल क्या होगा? आर होगा। तो अब यहाँ पे जो आर होगा वो किसके बराबर होगा? बीटा प्लस में गामा के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आपको पता हो। यदि ये अल्पांश कोण होगा तो यदि स्नेल के नियम से बात करेंगे, ठीक ना, किसके नियम से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो जो स्नेल का नियम होता है क्या कहता है? साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपान में एन वन, अर्थात ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा एन टू अपान में एन वन। यदि अल्पांश कोण होगा तो ये आई होगा, साइन आई आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर होगा, और ये इधर एन टू अपान में क्या हो जाएगा? एन वन होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आई एन वन होगा और इधर आर एन टू होगा, ठीक ना, और आप यहां से आई और आर की इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करते हैं, आई की वैल्यू तो गामा प्लस में अल्फा हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? एन वन।
और इधर क्या हो जाएगा, आर की जब वैल्यू रखेंगे तो बीटा प्लस में गामा हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा एन टू। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एन वन गामा प्लस में एन वन अल्फा हो जाएगा, इधर एन टू बीटा प्लस में एन टू गामा हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, उसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक ना, गामा वाले को एक साइड कर लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा एन वन अल्फा माइनस में एन टू बीटा हो जाएगा और इधर जो आएगा एन टू माइनस में एन वन हो जाएगा और कॉमन कर लेंगे तो गामा हो जाएगा। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अब देखिए जब इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा तो हम फिर से इस अल्फ़ा वाले एंगल का मान ज्ञात करें, बीटा वाले एंगल का मान ज्ञात करें और गामा वाले एंगल का मान ज्ञात करें। तो यदि हम इस मान को ज्ञात करते हैं तो कैसे आएगा, चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो इधर का हम इरेज करते हैं, ठीक है। यदि इरेज करते हैं तो ये जो अल्फा एंगल होगा, अल्पांश एंगल के लिए बात करेंगे तो जो अल्फा होगा वो टेन अल्फा के बराबर होगा, और जब अल्फा टेन अल्फा के बराबर होगा तो जो ट्रेंगल ओ ए एम में बात करेंगे, ओ ए एम में बात करेंगे, ठीक ना। जब ओ ए एम में बात करेंगे ट्रेंगल तो अल्फा बराबर में टेन अल्फा होगा और यहाँ पर यच अपान में क्या हो जाएगा, ये वस्तु से जो ध्रुव की दूरी थी। अब देखिए यदि ये जो पृष्ठ होगा छोटा पृष्ठ होगा, ठीक ना, तो ये जो P पॉइंट होगा लगभग M पॉइंट होगा वो P की क्या होगा लगभग इक्वल होगा, इस कारण से ये जो वस्तु की दूरी है ये आपका U होगा, ठीक ना, और ये हम प्रतिबिंब की जो दूरी है ये दूरी क्या होगी V दूरी होगी, ठीक ना, ध्रुव तक की। और इधर से जो ये वक्रता केंद्र होगा वो क्या होगा आपका कैपिटल R हो जाएगा इस पॉइंट तक। अब देखिए यदि अब दूरी h होगी तो ये अपना u होगा h अपान में माइनस में u, क्योंकि ये बाईं तरफ की दूरी है। दूसरा त्रिभुज अब इस वाले में बात करेंगे IAM में बात करेंगे, और जब IAM में बात करेंगे तो जो बीटा होगा वो लगभग tan बीटा के बराबर होगा, और जब tan बीटा के बराबर होगा तो ये h अपान में कितना हो जाएगा माइनस में भी रखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। फिर हम अगले जो ट्रेंगल है उसमें बात करते हैं कि इसमें MAC में, ठीक ना, ट्रेंगल एम ए सी में, और जो ट्रेंगल ए एम ए सी में करते हैं तो ये आपका जो गामा वाला एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, टेन गामा के बराबर होगा, और टेन गामा का वैल्यू जो होगा यच अपान में क्या होगा कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये यच हो गया और यहाँ पर जो एम से सी जो दूरी होगी ये आपको जो एम सी दूरी है लगभग सी पी के बराबर होगी, ठीक ना, क्योंकि अगर छोटा पृष्ठ होगा तो उसके लिए ये वैल्यू पी सी एम जो होगा पी के बराबर होगा, तो ये जो सी एम होगा सी पी के बराबर होगा, तो जो सी पी की वैल्यू हो गया है कैपिटल आर है। अब इन सब वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा की, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो कितना आई है एच अपान में यू आई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से एन वन हो जाएगा, और ये अल्फ़ा की वैल्यू एच अपान में माइनस में यू हो गया माइनस में, और बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है एन टू एच अपान में माइनस में वी आया है, इधर एन टू माइनस में एन वन, और गामा की जो वैल्यू आई है वो एच अपान में आ रही है। इतना चीज़ क्लियर होगा, ठीक ना। जब इतना चीज़ क्लियर होगा तो अब आप यहाँ से काम कर सकते हैं, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर एच कामन करके पहले तो कट कर दीजिए। जब आप एच कामन करके कट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एन वन अपान में यू हो जाएगा, इधर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में एन टू अपान में वी हो जाएगा, और इधर एन टू माइनस में एन वन और अपान में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला मिल जाता है। अब आप इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक ना, चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एन टू अपान में वी हो जाएगा माइनस में एन वन अपान में यू हो जाएगा, और इधर एन टू माइनस में एन वन और अपान में कैपिटल आर। ये आपका अभीष्ट फार्मूला बन जाता है। यदि हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे, अर्थात n इज इक्वल टू एन टू अपान में एन वन होगा ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, तो n दोनों पक्षों के जो अंश में एन वन से भाग दे दीजिए तो ये एन टू अपान में एन वन हो जाएगा माइनस में वन हो जाएगा अपान में यू, और इधर वी होगा, इधर ये इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं अच्छे से थोड़ा सा, एन टू अपान में एन वन होगा और अपान में वी माइनस में वन अपान में यू होगा, और इधर कितना हो जाएगा एन टू अपान में एन वन माइनस में वन और अपान में कैपिटल आर। तो जो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन बराबर होगा तो ये से एन अपान वी माइनस में वन अपान में यू इज इक्वल टू एन माइनस वन और अपान में कैपिटल आर लिख सकते हैं। ये आपका हो जाता है अभीष्ट फार्मूला, ठीक ना। अब इस फार्मूले का उपयोग करके ही हम लेंस मेकर के सूत्र, लेंस मेकर का जो सूत्र आता है वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, दो पतले लेंस के द्वारा, ठीक ना, तो उन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।